अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डेफिनेशन दी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो फॉर्म में हो, यानी वो इक्वेशन जिसकी डिग्री टू हो और ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एक्स टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, यहाँ पर हाईएस्ट पावर टू है यानी डिग्री टू है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, यहाँ भी एक्स की पावर टू हाईएस्ट है तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थ्री प्लस सिक्स वाई स्क्वायर माइनस सेवन वाई इक्वल टू जीरो, यहाँ भी हाईएस्ट पावर वाई की क्या है टू है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी वो इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर टू होगी, डिग्री टू होगी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। एक्सरसाइज 4.1 है, क्वेश्चन नंबर वन, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हमें जितने भी पार्ट्स दिए हमें ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं है। टोटल फर्स्ट क्वेश्चन के 8 पार्ट है, तो मैं आपको 3 बार समझा रहा हूँ, बाकी अपने पार्ट्स खुद करने हैं। फर्स्ट पार्ट है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू एक्स माइनस थ्री। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी डिग्री टू हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस टू सॉरी प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। वो इक्वेशन, इक्वेशन में इक्वल टू का साइन आता है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपने पढ़ा हुआ है जिसकी डिग्री टू हो, जब इक्वल टू का साइन आ जाए वो बन जाती है इक्वेशन। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसकी डिग्री टू आएगी वो क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री टू नहीं आएगी वो क्वाड्रेटिक नहीं है। तो x प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू एक्स माइनस थ्री, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू एक्स टू एक्स टू इंटू माइनस थ्री माइनस सिक्स। रीजन दे दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। तो एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस वन, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, राइट में आया 2x माइनस सिक्स, पहले प्रोडक्ट हम कर चुके हैं। अब राइट वाली टर्म हमने लाई लेफ्ट में, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये इधर आया माइनस टू एक्स, ये इधर आया प्लस सिक्स, इक्वल टू क्या है जीरो, इक्वल टू हमने जीरो ही लाना है। प्लस टू एक्स और माइनस टू एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर एक ही है, प्लस वन और प्लस सिक्स हो गया प्लस सेवन, तो इक्वल टू जीरो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। तो इधर अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी डिग्री क्या है टू, क्योंकि डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर टू ही है, तो हियर डिग्री इक्वल टू टू, तो देयरफॉर जो गिवन इक्वेशन थी यानी एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू एक्स माइनस थ्री इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फिफ्थ पार्ट है इसका, टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस वन। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे, पहले 2x की दोनों से करेंगे माइनस वन की दोनों से, इधर x की दोनों से प्लस फाइव की दोनों से। अब 2x की x माइनस थ्री से, 2x इंटू एक्स टू एक्स स्क्वायर, 2x इंटू माइनस थ्री माइनस सिक्स एक्स, माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस वन इंटू माइनस थ्री प्लस थ्री, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस वन माइनस एक्स, प्लस फाइव इंटू एक्स फाइव एक्स, प्लस फाइव इंटू माइनस वन माइनस फाइव। अब राइट में जितनी भी टर्म है सारी लाएंगे हम लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री पहले का है, एक्स स्क्वायर इधर आया माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इधर आया प्लस एक्स, प्लस फाइव एक्स आया माइनस फाइव एक्स, माइनस फाइव आया प्लस फाइव, इक्वल टू क्या बचा जीरो। अब माइनस एक्स और प्लस एक्स कट गया, ये टू एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, टू एक्स स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर निकाला एक्स स्क्वायर, माइनस सिक्स एक्स माइनस फाइव एक्स यानी माइनस इलेवन एक्स, प्लस थ्री और प्लस फाइव यानी प्लस एट, इक्वल टू क्या जीरो। इधर भी अगर आप देखोगे इस इक्वेशन में डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है टू, तो हियर डिग्री इक्वल टू टू, तो गिवन इक्वेशन यानी टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस वन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री टू आएगी तो क्वाड्रेटिक, डिग्री टू नहीं, कम आए या ज्यादा आए वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी। अब एट पार्ट है यानी लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल क्यूब। तो एक्स क्यू माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, लेफ्ट हैंड साइड पहले की सॉल्व है, राइट हैंड साइड में ए माइनस बी का होल क्यूब। अब जो ए माइनस बी का होल क्यूब है इसका फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या हुआ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी।
तो ए माइनस बी का होल क्यूब यानी एक्स का होल क्यूब यानी ए क्यूब, बी क्यूब यानी माइनस टू का क्यूब, माइनस थ्री फार्मूले का इंटू ए यानी एक्स इंटू बी यानी टू। माइनस फार्मूले का तो इधर बी को आपने टू पढ़ना है, माइनस टू नहीं पढ़ना है, ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी एक्स माइनस टू, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। लेफ्ट हैंड साइड सेम रही, एक्स का क्यूब आ गया एक्स क्यूब, टू का क्यूब आ गया एट, माइनस थ्री इंटू टू और इंटू एक्स माइनस सिक्स एक्स, ब्रैकेट में एक्स माइनस टू। एक्स क्यूब और माइनस एट ऐसे ही रहा। अब माइनस सिक्स एक्स को पहले मैंने मल्टीप्लाई की एक्स माइनस टू यानी एक्स से, माइनस सिक्स एक्स इंटू एक्स माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, माइनस सिक्स एक्स इंटू माइनस टू प्लस ट्वेल्व एक्स, तो एक्स क्यूब माइनस एट माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स आ गया। अब राइट साइड में जितनी भी टर्म है ये सारी हमने लानी है लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन पहले का था, जब ये हम लाएंगे तो एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, जब ये एक्स क्यूब इधर जाएगा तो उससे पहले हमने क्या किया एक्स क्यूब और एक्स क्यूब काट दिया क्योंकि ये इधर जाके नेगेटिव ही होता है। अब माइनस फोर एक्स क्यूब स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बच गया, माइनस एट आया प्लस एट, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर आया प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर, प्लस ट्वेल्व एक्स आया माइनस ट्वेल्व एक्स। आप सारी की सारी टर्म भी ला सकती हो काटने से पहले। अब माइनस फोर एक्स स्क्वायर और प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर, बड़ा प्लस क्या है, सिक्स में से फोर गया टू एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स और माइनस ट्वेल्व एक्स बन गया माइनस थर्टीन एक्स, प्लस वन और प्लस एट यानी प्लस नाइन इक्वल टू क्या है जीरो। तो इसमें भी आपकी डिग्री क्या आई टू, तो जब डिग्री टू होगी तो क्वाड्रेटिक, तो दियर फोर गिवन इक्वेशन यानी एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल क्यूब इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 स्क्वायर मीटर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अब हमें क्वेश्चन नंबर टू के जो चार पार्ट्स दिए हैं इनमें खाली उन्होंने बोला इक्वेशन बनाने के लिए बोला हुआ है, हम क्या करें इनको सॉल्व भी करेंगे क्योंकि बोर्ड में जब ये क्वेश्चन आते हैं तो वो सॉल्व करने के लिए बोलते हैं, वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलते हैं, लेंथ ब्रेथ हो या एज हो जैसा आपका क्वेश्चन होगा उस हिसाब से वो फाइंड करने के लिए बोलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में दिया हमें जो एरिया रेक्टेंगुलर प्लॉट का वो 528 स्क्वायर मीटर है और जो लेंथ है वो वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ है, यानी ब्रेथ को डबल करेंगे और वन प्लस करेंगे तो वो क्या आएगी लेंथ, तो हमने लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। अब मैंने कैसे सॉल्व किया, पहले मैंने लेट की ब्रेथ ऑफ ए प्लॉट या ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू एक्स मीटर, तो ब्रेथ हमने लेट की एक्स मीटर है, तो लेंथ क्या आएगी, लेंथ मोर देन भी है और ट्वाइस भी है, वन मोर देन और ट्वाइस है, तो लेंथ ऑफ प्लॉट कितनी आ गई टू एक्स प्लस वन मीटर। ब्रेथ अगर एक्स लेट करेंगे तो लेंथ क्या आएगी टू एक्स प्लस वन, तो एरिया ऑफ ए प्लॉट दिया है 528 स्क्वायर मीटर, ये गिवन है, हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है एल इंटू बी इक्वल टू 528, तो लेंथ की वैल्यू 2x प्लस 1, ब्रेथ की वैल्यू x, तो 2x प्लस 1 की मल्टीप्लाई अगर x से करें तो क्या आंसर आता है 528, तो 2x इंटू x आ गया 2x स्क्वायर, 1 इंटू x आ गया x इक्वल टू 528, अब 2x स्क्वायर प्लस x 528 इधर आया माइनस 528, तो ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू जीरो है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, बुक में यही आंसर है क्योंकि उन्होंने खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए बोला, हम इसको सॉल्व भी करेंगे एक्स की वैल्यू यानी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करेंगे। अब हमने इसको ब्रेक कैसे करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है जो आपने नाइन्थ में भी पढ़ी है एट्थ में भी पढ़ा हुआ है, तो 2 इंटू 528 होता है 1056, अब एक्स को ऐसे ब्रेक करना है मल्टीप्लाई आए 1056 के बराबर लेकिन प्लस माइनस करके क्या आए एक्स, तो मैंने क्या किया 1056 के पहले फैक्टर बनाए, इसका मेथड जो है वो बता रहा हूं मैं, तो इसके फैक्टर्स ये आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, 2 5 टाइम्स और 3 और 11, अब ये सारे फैक्टर्स हमें यूज करने हैं, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट तो 1056 ही आना चाहिए लेकिन प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए एक्स, इसलिए मैंने क्या किया 2 फर्स्ट 5 2 इकट्ठे किए तो आया 32, लास्ट टू इकट्ठे किए तो क्या है 33, यानी 32 इंटू 33 क्या होता है 1056 और 33 में से 32 निकालो x ही आएगा, 33 x में से 32 x निकालो तो क्या आएगा x, तो इसी तरह से हमने सारे फैक्टर अरेंज करने हैं कि प्लस माइनस करके x आए और मल्टीप्लाई करके वो आएगा ही आएगा जो आपको चाहिए, इसलिए हमने 2x स्क्वायर प्लस x x ही क्या लिखा 33x माइनस 32x माइनस 528 वैसे ही, अब 33x में से 32x निकालो तो क्या बचता है x और 33x को 32x से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 1056 यानी 528 इंटू 2
मल्टीप्लाई से जो आएगा वही 33 इंटू 32 से मल्टीप्लाई करके आएगा। अब फर्स्ट टू और लास्ट टू, अब क्या करना है, फर्स्ट टू में कॉमन निकालना है। फर्स्ट टू में क्या कॉमन है, एक्स, इधर क्या बचा 2x, इधर क्या बचा प्लस 33। अब इन दोनों में, अब ब्रैकेट में अगर 2x प्लस 33 है, इधर भी 2x प्लस 33 ही आना चाहिए, इसलिए सबसे बड़ा जो कॉमन निकलेगा वो निकलेगा माइनस 16। 2 भी निकल सकता है, 4 भी निकल सकता है, 8 भी निकल सकता है, लेकिन माइनस 16, 32 नहीं निकलेगा क्योंकि ये 32 के टेबल में नहीं आता है। तो माइनस 16 जब कॉमन निकालेंगे इधर क्या बचेगा, 2x माइनस माइनस प्लस, तो 16 इंटू 33 ये होता है 528 इक्वल टू क्या, 0। फिर x माइनस 16 एक ब्रैकेट में लिखते हैं, 2x प्लस 33 दूसरी ब्रैकेट में लिखते हैं, इक्वल टू क्या आता है, 0। जब x माइनस 16 और 2x प्लस 33 ये क्या है, इसके फैक्टर्स। अब x की वैल्यूज निकालनी है, तो x की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ये आपने पॉलीनोमियल में भी पढ़ा था। तो x माइनस 16 को भी 0 के बराबर लेते हैं, 2x प्लस 33 को भी 0 के बराबर लेते हैं। तो x की वैल्यू आ गई 16 और 2x आ गया माइनस 33। x 16 ही है और x की वैल्यू क्या है, माइनस 33 अपॉन 2। अब माइनस 33 अपॉन 2 जो x की वैल्यू है ये रिसेक्ट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि x जो है वो ब्रेड्थ है, तो ब्रेड्थ कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, तो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल कांट बी नेगेटिव, रेक्टेंगल की ब्रेड्थ कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो इसलिए ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट क्या होगी, x यानी 16 होगी और लेंथ ऑफ द प्लॉट क्या आएगी, 2x प्लस 1 यानी 2 इंटू 16 प्लस 1 यानी 32 प्लस 1, तो क्या आ गया 33 मीटर। तो ब्रेड्थ आई 16 मीटर और लेंथ आई 33 मीटर। बुक के अकॉर्डिंग हमें खाली इक्वेशन बनानी है, लेकिन जब पेपरों में क्वेश्चन आता है तो मैंने क्या बताया, फाइंड करने के लिए बोलते हैं, इसलिए आपको पूरा सम आना चाहिए कैसे सॉल्व करना है।